हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि अभी 2021 के करंट अफेयर्स हम अभी रिवाइज कर रहे हैं आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसी सीरीज़ में हम मई 2021 की एक मंथली कंपाइलेशन करने वाले हैं, जिसमें आपको 140 के करीब करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। ये वन लाइनर्स में होंगे और रिवीजन पर्पस से ही होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ये किसने लॉन्च किया था? इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था समुद्र सेतु 2, और इसका पर्पस क्या था इस ऑपरेशन का? फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट है, नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं टी वी सोमनाथन। उसके बाद क्वेश्चन है, मट्टी बनाना ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है और इसे क्रोकोडाइल फिंगर बनाना के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ पर बनाया गया मई 2021 में? तो ये पुर्तगाल में बनाया गया है, पुर्तगाल में, ऑन द रिवर पैवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्नो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं क्रिस इवांस, और अगर टेक्नो इंडिया की बात करें तो ये हैं आयुष्मान खुराना। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है, नए चेयरमैन बजाज ऑटो के कौन हैं? तो ये हैं नीरज बजाज, इनसे पहले थे राहुल बजाज जिन्हें रिप्लेस किया है नीरज बजाज ने। अब नेक्स्ट हमारे पास एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है P-81, ये भारत किस देश से खरीदेगा? तो ये USA का एयरक्राफ्ट है, मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि भारत खरीदने वाला है, बिलोंग करता है USA से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, लग बा उमेर ये फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये इसराइल में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और ज्यूश जो होते हैं यहूदी लोग उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला हमारे हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो पहली कंट्री कौन सी बनी है, पहला देश कौन सा है जिसने अलाउ किया है ड्राइवरलेस कार ऑन रोड्स? तो यूके है ऐसी पहली कंट्री, और यूके ने जो टारगेट रखा है कि 2035 तक लगभग 40% कार्स जो हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी वाली रोड्स पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टारगेट है यूके का, और यूके ही पहली कंट्री है जिसने अलाउ किया है ड्राइवरलेस कार ऑन रोड्स। आगे हम देखें, रिसेंटली यानी कि मई 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय पर मर्सिडीज़ न्यूज़ में था। तो मर्सिडीज़ का मतलब क्या है? तो मर्सिडीज़ वैसे कार का नाम भी है, लेकिन फ़िशिंग बोट थी जो कि न्यूज़ में थी मई 2021 में, और तमिलनाडु में ये जो फ़िशिंग बोट है न्यूज़ में थी, और इसका नाम था मर्सिडीज़, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है टू स्टॉप कोल प्रोडक्शन बाय 2049, 2049 तक कोल प्रोडक्शन को स्टॉप करने का डिसीजन किसने लिया है? पोलैंड ने लिया है, याद रखिएगा, पोलैंड होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे सामने अवार्ड जिसका नाम है शेख जायद बुक अवार्ड, ये मिला किसे है मई 2021 में? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, इनकी बुक के लिए अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, और ये पहली इंडियन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार ये कौन है? त्रिपुरारी शरण है। मई 2021 में ही ज़ाइलोफिस दीपकी ये न्यूज़ में था, तो ये किसकी स्पीशी है? तो ये एक स्नेक है जिसका नाम है, और ये एक एंडेमिक स्पीशीज़ है तमिलनाडु की। ठीक है, न्यूज़ में थी उस टाइम पर ये, तो आप याद रखिएगा क्या है। आगे पूछा गया, बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये मिला है रमेश चेन्नीथाला को, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन है केरला में, और इन्हें अवार्ड मिला है बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, चिरंजीवी योजना जो है किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो राजस्थान के द्वारा ये लॉन्च की गई है, जिस इस योजना के अंतर्गत 5 लाख कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा फॉर एवरी फैमिली। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं टी रविशंकर, और इन्होंने रिप्लेस किया है बीपी कानूनगो को। अगला क्वेश्चन है, 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं मई 2021 में ये बने थे एमके स्टालिन, जो कि 8th सीएम हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी पहली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका एक वैक्स फिगर बनाया गया है मैडम टुसाद में? ठीक है, तो ये हैं कमला हैरिस जो फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, इनका एक वैक्स फिगर बनाकर स्थापित किया गया है। आगे पूछा गया है कि एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 ये किसने होस्ट की है? तो ये होस्ट की थी 2021 में UAE ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की पहली प्रेग्नेंट ममी ये कहाँ डिस्कवर की गई? इजिप्ट में डिस्कवर की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो एन रंगास्वामी ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के, तो ये पुडुचेरी के नए सीएम बने हैं एन रंगास्वामी। किस कंट्री ने टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट को टेरर ग्रुप के रूप में डेजिग्नेट किया है, तो इथियोपिया के द्वारा इस ग्रुप को टेरर ग्रुप के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। आगे पूछा गया है सूत्रा मॉडल ये किससे रिलेटेड है, तो ये कोविड 19 से रिलेटेड है और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर चार्टिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ कोविड 19 इन द कंट्री। अगला क्वेश्चन है डार्विन पोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, मई 2021 में ये न्यूज़ में था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे पूछा गया है पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने जर्नलिस्ट को डिक्लेयर किया है एज ए फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर, तो ओडिशा के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है जर्नलिस्ट को एज ए फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंस ओडीआई में कौन सी टीम टॉप पर है और किस रैंकिंग में पूछा गया है, MRF टायर्स ICC रैंकिंग जो है इसमें मेंस ODI में कौन सी टीम टॉप पर है, तो ये न्यूजीलैंड है, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और हमारी इंडिया थर्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो R21 मैट्रिक्स M ये क्या है, तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट ये किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया इसलिए इम्पॉर्टेंट है और कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया गया है विद IIT मुंबई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NHRC के चेयरमैन कौन हैं, तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। हालांकि मई 2021 में न्यूज़ थी कि एक्टिंग चेयरमैन बनाए गए थे उस समय मई 2021 में, लेकिन अभी क्योंकि चेयरमैन हैं फुल फ्लेश्ड अरुण कुमार मिश्रा, तो एक्टिंग जो उस समय बनाए गए थे चेयरपर्सन उनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है उनको याद रखने की, तो आप इतना याद रखिएगा अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है मूरहन योगा मैट ये जो चटाई होती है योगा वाली ये किस स्टेट में डेवलप की गई, तो असम में ये डेवलप की गई है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये जो अवार्ड है किसे दिया गया है, तो श्यामला गणेश को ये दिया गया है बाय जापानीज गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री का ये अवार्ड है, तो जापान का है और दिया किसे गया है, श्यामला गणेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ 100 मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स मिले हैं ऑफ सॉरोपोड्स। सॉरोपोड्स क्या है, लॉन्ग नेक्ड डायनासोर होता है जिसे सॉरोपोड्स कहते हैं, ये मेघालय में पाए गए हैं। और क्या मेघालय एकमात्र स्टेट है जहाँ पर पाए गए हैं, तो आंसर होगा नहीं, मेघालय फिफ्थ स्टेट है। इससे पहले गुजरात MP महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी इस तरह की डिस्कवरी हुई थी, अभी मेघालय में भी पाए गए। अगला क्वेश्चन है कि उस समय रिसेंटली जहाँ भी आ रहा है ना, तो उस समय मई 2021 की ही बात हो रही है, तो पूछा गया है कि 5G टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम ट्रायल को किसने अप्रूव किया है, किसने मंजूरी दी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा 5G टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी गई है। और ये जो है नेक्स्ट लाइन देखिए, ये आज ही की न्यूज़ थी, रिसेंटली ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं भोपाल कांडला पोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में 5G के। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूज्ड कुकिंग ऑयल्स जो होते हैं UCO, इनसे जो बायोडीजल बनाया जाता है इसकी सप्लाई किसने शुरू की है, तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट पर आते हैं तो ऑन टैप लिक्विडिटी ये सुविधा किसने प्रदान की है, RBI ने की थी मई 2021 में, 50,000 करोड़ की थी ये, और किस लिए, फॉर फाइटिंग अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ COVID-19। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली भारत में वैक्सीन फाइंडर टूल ये किसने लॉन्च किया था, फेसबुक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माई फ्लावर 400 ये क्या है, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। ठीक है, तो पूछा जाए क्या है माई फ्लावर 400, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है लेकिन जो शिप होगा वही करेक्ट होगा। अगला पूछा गया है कि इंडिया ने अपना पहला कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनिक माइलेट्स या मिलेट्स ये किस कंट्री को भेजे हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, तो डेनमार्क को हमने पहला कंसाइनमेंट भेजा है ऑफ ऑर्गेनिक मिलेट्स। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप ये किन देशों के बीच हुई, तो ये इंडिया और UK के बीच हुई है GIP ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि
ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने डिक्लेयर किया है एंड ऑफ इबोला आउटब्रेक, इबोला आउटब्रेक को ख़त्म कर दिया है कोंगो ने। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है जिसने अलाउ किया है फाइज़र वैक्सीन को फॉर चिल्ड्रन एज्ड 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको फाइज़र वैक्सीन लगाने के लिए अलाउ कर दिया है, तो ये कंट्री है कैनेडा। और ये जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, बायोएनटेक और फाइज़र। बायोएनटेक ये जर्मन कंपनी है और फाइज़र जो है ये अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिलिपोस क्राइसोस्टोम ये क्या है, तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग बाइशप हैं, ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, पादरी हैं ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग बाइशप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की जाती है उसमें इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप किया है, तो IIT मुंबई के द्वारा ये टॉप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021, इसमें कौन रहा है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, राफेल नडाल रहे हैं जो कि स्पेन से हैं। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये रही हैं नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिंको द मायो फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, मेक्सिको में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है जिसने ग्लाइफोसेट के यूज़ पर टोटल बैन लगा दिया है, तो ये है तेलंगाना। और ये क्या है ग्लाइफोसेट, ये एक हर्बिसाइड है और ये यूज़ किया जाता है इन कॉटन फार्म्स टू किल वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है, तो ये CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है और काउंसलिंग के लिए भी ये मोबाइल ऐप का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज़ रॉकेट जो है लॉन्ग मार्च 5B ये कहाँ पर क्रैश हुआ है, तो ये इंडियन ओशियन में क्रैश हुआ था। क्रिस्ट चर्च कॉल ये किस कंट्री का इनिशिएटिव है, तो न्यूजीलैंड के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था। और काम क्या है इसका, टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वॉयलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन जो भी ऐसा मिलता है टेररिस्ट या फिर वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट मिलता है उसको ख़त्म करना। और ये मई 2021 में न्यूज़ में था क्योंकि अमेरिका विचार कर रहा था इसमें शामिल होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो VAG वैग 12B ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, तो ये एक लोकोमोटिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये हैं बिमन बंदोपाध्याय। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि इंडियन आर्मी ने पहला बैच इंडक्ट किया है ऑफ 83 वुमेन सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिट अवार्ड 2021 जो कि एक म्यूज़िक अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो टेलर स्विफ्ट को सम्मानित किया गया है और ये पहली फीमेल बनी है टू रिसीव ग्लोबल आइकन ऑनर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड की पहली सिख MP कौन बनी है, तो बने हैं तो ये हैं पाम गोसाल और ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सिख हैं जो कि स्कॉटलैंड के MP बने हैं। उसके बाद बात करें, अप्रैल की बात हम कर रहे हैं, मेंस ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ ये बने थे बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं और वुमेंस प्लेयर ऑफ़ द मंथ ये थी एलिसा हेले जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये हम अप्रैल की बात कर रहे हैं। उसके बाद है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता था, लुइस हैमिल्टन ने, फार्मूला 1 रेसिंग के ये ड्राइवर हैं और इन्होंने ही जीता था स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने स्टार्ट की है वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम ऑन दूरदर्शन, तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो कि फोर्थ बना है टू अचीव 100% टैप वाटर कनेक्शन, तो ये पुडुचेरी बना है। इससे पहले कौन से तीन रहे हैं, तो गोवा है, तेलंगाना है और अंडमान निकोबार है और फोर्थ रहा है पुडुचेरी। उसके बाद पूछा गया एम्फोटेरिसिन बी ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या है, तो ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है। नेक्स्ट पूछा गया मिशन हौसला ये रिसेंटली किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। अल अक्सा मॉस्क अल अक्सा मस्जिद ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये कहाँ पर है, किस कंट्री में है, इसराइल में है ये मस्जिद जो न्यूज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यूनाइटेड नेशंस के नए ह्यूमैनिटेरियन चीफ के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये है मार्टिन ग्रिफिथ्स। उसके बाद है बेनू
रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो एक एस्ट्रॉयड है जो कि पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन माइल्स दूर है। रिसेंटली ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इरेडा को किया गया है। इरेडा की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उसके बाद पूछा है फ्लोटिंग एम्बुलेंस सर्विस ये किस लेक में शुरू की गई? तो डल लेक में ये जो एम्बुलेंस सर्विस है ये शुरू की गई है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 का ये दिया गया शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जहां पर इंडिया का फर्स्ट ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट यूनिट स्टेब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया? तो मध्य प्रदेश में ये सेटअप किया जाएगा। उसके बाद है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये तीन एजेंसीज हैं, नासा, ईएसए और सीएसए। ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सीएसए है कनाडा की स्पेस एजेंसी और नासा तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो यह है रमेश पवार। आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम टॉप पर रही? तो इंडिया रही है इसमें टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सीनियर एडवाइज़र टू व्हाइट हाउस ये किसे अपॉइंट किया गया? नीरा टंडन को अपॉइंट किया गया सीनियर एडवाइज़र टू व्हाइट हाउस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जुरोंग। और किस स्पेसक्राफ्ट से इसको भेजा गया? तो तियानवेन वन से इसको भेजा गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष घर द्वार ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया आयुष घर द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता नियोग ये किस स्टेट की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है? तो असम की फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि पहली महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिसेप्स जोसेफी ये न्यूज़ में था ये क्या है? तो ये एक स्नेक की स्पीशीज़ है जो कि तमिलनाडु में डिस्कवर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लीडर ने टॉप किया है फॉर्च्यून की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट को? तो इस लिस्ट में टॉप किया है जसिंडा अडर्न ने जो कि न्यूजीलैंड की पीएम हैं। और इंडिया से जो अदार पूनावाला हैं इन्होंने 10th रैंक हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल 2021 इससे किसे सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया था। साइक्लोन तो काते जो आया था वो किस कंट्री ने इसका नाम दिया? म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया था। आगे पूछा गया मैन सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन 2021 ये किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। सबदोलुसेप्स नीलगिरियेंसिस ये क्या है? न्यूज़ में थी। तो एक स्किंक की स्पीशीज़ है जो कि वेस्टर्न घाट में पाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महत्री दुलार योजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ये लॉन्च की गई थी ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने पेरेंट्स को खो दिया। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी? तो ये थी ताशी यांगजोम जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने लॉन्च किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी गोल्ड? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ये डिजी गोल्ड नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 69th मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो ये है एंड्रिया मेजा। और 68th कौन थी 2019 में? जोजी बिनी फ्लोरिडा। कोविड फतेह अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो पंजाब के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। डायनासोर की एक नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया जिसका नाम है तो लोपस गैलोरम ये कहाँ पर खोज की गई किस कंट्री में? तो मैक्सिको में इसकी डिस्कवरी की गई थी। आगे पूछा गया है कोयलाकांत ये क्या है रिसेंटली न्यूज़ में था? तो ये एक्सटिंक्ट फॉसिल फिश है। ठीक है, फ़िश की एक प्रजाति है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है और इसके फॉसिल्स पाए गए थे तो इसीलिए न्यूज़ में थी। अगला क्वेश्चन है कि ATP रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर है? तो नोवाक जोकोविच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिमोर्ग न्यूज़ में था ये क्या है? सिमोर्ग जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो कि ईरान का है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर ये कौन सा है? तो फुगाकू है जो कि जापान से है। और भारत का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्ध है। और अगर रैंकिंग की बात करें तो 63rd रैंकिंग इसकी है। अगला क्वेश्चन है स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड ये
इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री मलानी ग्रुप को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। हेयांग 2D सैटेलाइट ये किस कंट्री ने लॉन्च की? चाइना के द्वारा लॉन्च की गई और ये ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हौसला हाई रख कैंपेन ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया? रेड FM के द्वारा ये कैंपेन अनाउंस किया गया था। कौन सी राज्य सरकार है जिसने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित किया था? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। फरजाद बी गैस फील्ड ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ईरान में है और न्यूज़ में थी उस समय पर। मोमा मार्केट मोबाइल ऐप ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? मणिपुर के द्वारा की गई फॉर डिलीवरिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, फिर उसके बाद है मार्था कुमी ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी हैं और किस कंट्री की हैं ये? तो केन्या की ये हैं जस्टिस हैं जो कि केन्या की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी हैं। अगला क्वेश्चन है INS राजपूत ये न्यूज़ में था, ये क्या है? ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, एक ध्वंस पोत है जो कि रशिया के द्वारा बिल्ड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH एथलीट कमेटी के मेंबर के रूप में किस इंडियन को अपॉइंट किया गया है? तो यह है PR श्रीजेश। इंडिया का नया इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल इसका नाम क्या रहने वाला है? तो इसका नाम रहने वाला है DD इंटरनेशनल। A76 ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है जो कि अंटार्कटिका में था और टूटकर अलग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन इन ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन रहे हैं? तो ये हैं जेफ बेजोस। रिसेंटली वीना जॉर्ज ये हेल्थ मिनिस्टर बनी हैं एक स्टेट की, तो कौन से स्टेट की हैं? केरला की हैं और ये हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है एक सर्वे है एक्सपर्ट्स इनसाइडर सर्वे 2021, इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री बेस्ट कंट्री है फॉर लिविंग अब्रॉड? तो ये ताइवान है और वर्स्ट प्लेस की बात करें तो ये कुवैत था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सुंदरलाल बहुगुणा ये किस मूवमेंट से रिलेटेड थे? तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थे ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता पुरस्कार ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किस कंट्री का? तो बांग्लादेश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये है स्वाधीनता पुरस्कार, जैसे कि हमारे यहाँ का है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है नए पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली ये कौन है? तो ये SN श्रीवास्तव हैं। अमृत वाहिनी ऐप ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई और ये किस लिए की गई? ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है इस ऐप के ज़रिए ऑफ हॉस्पिटल बेड्स फॉर COVID-19। उसके बाद बात करें मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम ये किस स्टेट गवर्नमेंट की है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा ये स्कीम की शुरुआत की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप ये किस कंट्री में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है? तो क्यूबा में है ये ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप और ये यूनाइटेड स्टेट का मिलिट्री प्रिजन है। उसके बाद है साइक्लोन यास जो है ये नाम किस कंट्री ने दिया था? तो ये ओमान के द्वारा ये नाम दिया गया था साइक्लोन को। अगला हमसे पूछा गया वाइपर जो है रिसेंटली न्यूज़ में था ये क्या है? तो ये नासा का रोवर है। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इस किसे जाना जाता है एज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से? तो ये हैं युआन लोंगपिंग जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसे दिया गया? तो ये सुरेश मुकुंद को दिया गया था। RBI इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है राजेश बंसल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीवनी परियोजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? तो हरियाणा के द्वारा ये लॉन्च की गई संजीवनी परियोजना टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू होम आइसोलेटेड पीपल। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड की योजना है ये और किस लिए है? ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड के चलते अपने पेरेंट्स को खो दिया था। और देखिए इस तरह की जो स्कीम्स हैं ना बहुत सारे स्टेट्स ने शुरू की हैं, तो आप नाम और वो कौन सा स्टेट है जिसने शुरू किया ये ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे हमने पीछे ही देखा था छत्तीसगढ़ की थी महत्री दुलार योजना, उसी तरह से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड की है। अगला है ला लीगा टाइटल ये रिसेंटली किस टीम ने जीता? तो ये एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा जीता गया और ये फुटबॉल टूर्नामेंट है ला लीगा टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBI के डायरेक्टर जनरल ये कौन है? तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो पहले इंडियन कौन है जो जीते हैं रुडोल्फ सिंडलर अवार्ड? तो ये हैं डॉक्टर D. नागेश्वर रेड्डी।
भारत कौन से देश में अपना पहला कॉन्सुलेट जनरल यानी कि वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो मालदीव्स में ये भारत अपना पहला कॉन्सुलेट जनरल को खोलने वाला है। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किसने चेयर की, किसने इसकी अध्यक्षता की? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फायर बोल्ट इसके नए ब्रांड एम्बेसडर ये हैं विकी कौशल। कर्नल पंजाब सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया रिसेंटली? तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया इन्हें। नेक्स्ट पूछा गया है कि पहले इंडियन प्रेसिडेंट INCB के कौन बने हैं? INCB यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो पहले इंडियन प्रेसिडेंट इसके बने हैं जगजीत पवाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बॉयलिंग लेक ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो डोमिनिका में है बॉयलिंग लेक। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग है, और अगर पहली कौन सी है इसकी बात करें तो ये है फ्राइंग पैन लेक जो कि न्यूजीलैंड में है। पहला इंडियन एक्टर कौन है जिन्होंने गोल्डन वीज़ा रिसीव किया है? तो संजय दत्त हैं। गोल्डन वीज़ा ये UAE देता है। संजय दत्त से पहले एक्टर हैं, पहले इंडियन एक्टर हैं जिन्हें ये वीज़ा मिला है। और ये वीज़ा का क्या फ़ायदा होता है? तो ये वीज़ा ऑफर करता है लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी 5 से 10 साल की। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया? CNR राव को दिया गया। ये भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है, भारत रत्न मिला था इन्हें 2013 में। और अगर बात करें एनी अवार्ड की, तो एनी अवार्ड ये कंसीडर किया जाता है नोबल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च। रिसेंटली बोडोलैंड डिपार्टमेंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है? तो बोडोलैंड रिलेटेड है असम से, तो ऑब्वियस सी बात है असम ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा नंबर है टोबैको स्मोकर्स का? तो चाइना में है सबसे ज़्यादा टोबैको स्मोकर्स, और सेकंड नंबर पर है इंडिया में, थर्ड इंडोनेशिया में है। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की है, ये अनाउंस किया है? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। इसमें पुअर फैमिलीज़ को अलाउंस दिया जाएगा 500 रुपये पर मंथ, और SC ST को 1000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। एंडी जेसी ये नई CEO बनी है किस कंपनी के? तो अमेजन के नए CEO हैं एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, युवा स्कीम ये किसने लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। और युवा की फुल फॉर्म क्या है? यूथ अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। जितने भी यंग ऑथर्स हैं उनके स्किल्स को और बढ़ाने के लिए, और जितने भी सीनियर ऑथर्स हैं राइटर्स हैं उनसे उन्हें सीखने को मिलता रहे, इस चीज़ के लिए ये युवा स्कीम शुरू की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है, और ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट ऑनर है ऑफ स्पेन, ठीक है, स्पेन का हाईएस्ट ऑनर है अमर्त्य सेन को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन कौन बनी है जिन्होंने सबसे कम टाइम में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है? तो ये हैं सांग यिन हुंग, हांगकॉन्ग से हैं ये, और कितना टाइम इन्होंने लिया है? अबाउट 26 आवर। ऐसी कौन सी IIT है जिसने डेवलप की है ओरल टैबलेट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी? तो IIT हैदराबाद के द्वारा ये जो ओरल टैबलेट है एम्फोटेरिसिन बी ये डेवलप की गई है, और इसे यूज़ किया जाता है टू ट्रीट ब्लैक फंगस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु सेवा स्कीम ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की? तो असम के द्वारा ये शुरू की गई। और देखिए तीसरी स्कीम ऐसी है इस तरह की, ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड के दौरान कोविड के कारण अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो ये वाली स्कीम जो है असम के द्वारा ही शुरू की गई। सजग रिसेंटली न्यूज़ में था ये क्या है? तो सजग जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल शिप है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी टीम ने टॉप किया? तो ये थी बेल्जियम, और इंडिया इस रैंकिंग में थी 105वें नंबर पर। तो ये हमारे हो गए मई 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।